तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जैसे कि 2 नवंबर को MIUI 9 स्टेबल वर्जन रिलीज होगा, तो उसके साथ साथ MI का एक नया सीरीज भी आएगा, MI का एक नया मोबाइल सीरीज भी आएगा जो अभी MI ने रिवील नहीं किया है। तो कुछ रूमर्स यहाँ पर निकल आया है जो गैजेट 360 कहते हैं कि एक ऐसा मोबाइल है जो एक्सपेक्टेड हो सकता है कि वो चाइना से इंडिया में कुछ नया नाम पे आ जाए, जैसे कि मी नोट 3। एक बहुत ही बढ़िया डिवाइस है अभी के लिए जो चाइना में पॉपुलर है, इंडिया में वो डिवाइस अवेलेबल नहीं है। जैसे कि Xiaomi ने कुछ दिन पहले निकाला था MIUI 1 विथ एंड्रॉयड 1 प्रोजेक्ट के साथ, जो बिल्कुल MI 5X की हार्डवेयर के साथ आया, एकदम देखने में भी सेम है। ऐसे ही शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मी नोट 3 भी इंडिया में आए कुछ नया नाम के साथ, ठीक है। और गैजेट 360 ये कहते हैं कि Xiaomi जो 2 नवंबर को रिलीज़ करेगा, तो वहाँ पे एक न्यू रेडमी सीरीज़ भी आएगा। तो न्यू रेडमी सीरीज आएगा का मतलब एक नया फ़ोन आप सोच लो पक्का आएगा ही आएगा। तो अब ये बजट फ़ोन होगा, फ्लैगशिप होगा या लो रेंज फ़ोन होगा, तो देखते हैं अभी कौन सा फ़ोन निकलता है, Xiaomi क्या सोचता है अभी। तो अब जो मानना है कि वो नॉर्मल मीडियम बजट फ़ोन ही निकालेगा, क्योंकि फ्लैगशिप जो रेडमी वाला फ़ोन तो फ्लैगशिप में आता नहीं, MI का फ़ोन फ्लैगशिप में आता है, ठीक है। तो रेडमी वाला फ़ोन अगर सीरीज में आएगा तो बजट ही आएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि IM अ न्यू सीरीज, ठीक है, एंड IM अ नोट, IM नॉट अ बुक, इन सारे बातों यहाँ पे लिखा है। जैसे कि तो नोट सीरीज में तो आएगा नहीं, मतलब रेडमी नोट 5 जो है तो वो तो नहीं आएगा, Redmi Note 5 जो ये 3 लाइनों में तो आता नहीं, आई एम नॉट ए नोट जैसे कि लिखा है, तो Redmi Note 5 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं कि इन जो बातें हैं इसके एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो Mi Note 3 ही आएगा। तो ठीक है, चलो Xiaomi ने मिड बजट में आ गया तो अच्छा है। और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, एंड 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया यार, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसे ही करते रहो प्यार और करते रहो मुझे सपोर्ट, और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। चलो बाय।